गाइस सलार तो बस एक ट्रेलर है। अब जो डार्लिंग प्रभास की एक नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है कल्कि 2898 एडी, ये फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास को बदल कर रख देगी। क्योंकि जिस तरीके से सलार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना परचम लहराया और प्रभास ने इस फिल्म के जरिए जो कमबैक किया है, इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि कल्कि फिल्म इतिहास का एक नया पन्ना शुरू करने जा रही है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डार्लिंग प्रभास की अपकमिंग मूवी को लेकर जिसका नाम है कल्कि 2898 एडी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरी वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि फिल्मी दुनिया की अपडेट आपको कौन से चैनल पर एकदम सही सही मिलती है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कल यानी कि 29 दिसंबर की सुबह को एक पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें यह लिखा गया डायनासोर टू डार्लिंग प्रभा, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के अंदर कुछ तो बड़ा होने वाला है, और वो कितना बड़ा होगा और वो क्या बड़ा होने वाला है इसका पता आप लोगों को पोंगल यानी कि खिचड़ी के दिन 14 जनवरी को चल जाएगा। आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा कि ये फिल्म कब रिलीज होगी और इस फिल्म का ट्रेलर कब आ रहा है, बस आप लोग थोड़ा सा सबर चाटिए 14 जनवरी 2024 तक का। और जो पोस्टर इन लोगों ने रिलीज किया है, कि आप लोगों ने इस पोस्टर को देखा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस पोस्टर को देखते वक्त कि भैया ये फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास को एक नया मोड़ देगी। जिस तरीके से फिल्म KGF ने दिया था, अगर KGF फिल्म को इंडियन सिनेमा का त्यौहार कहा जाता है तो फिल्म कल्कि को आप इंडियन सिनेमा का गेम चेंजर कह सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म के अंदर प्रभास का जो लुक दिखाया गया है वो एकदम अमेजिंग लग रहा है। और सबसे मेन बात, इस फिल्म की कहानी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले की होगी, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार के बारे में दिखाया जाएगा। कल्कि को भगवान विष्णु का ही अवतार कहा जाता है, तो हमारा सनातन धर्म टॉप पर चल ही रहा है और इस फिल्म के अंदर भगवान विष्णु के बारे में या उनके अवतार के बारे में बताया जाएगा। और साथ ही में इस फिल्म के अंदर जो एक्टर है उनका भी नाम जरा आप लोग एक बार सुन लीजिए, अमिताभ बच्चन, दिशा पठानी, दीपिका पादुकोण, कमल हसन और भी कई सारे एक्टर हैं इस फिल्म के अंदर, जो कि इस फिल्म की हाइप को काफी ज्यादा आगे लेकर चले जाते हैं। इस फिल्म की हाइप अभी और भी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि प्रभास ने जो कमबैक किया है फिल्म सलार से, उसे देखकर लोगों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वैसे आप इस फिल्म को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। कल्कि इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, ना साउथ ना बॉलीवुड, ओनली वन इंडियन सिनेमा ऑन डार्लिंग प्रभास। फिल्म को 4 लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा, जापानीज, इंग्लिश, चाइनीज और भी जो ओवरसीज की लैंग्वेज है उनमें भी इस फिल्म को रिलीज किया जाना है। क्या लगता है आप लोगों को कि कल्कि फिल्म डार्लिंग प्रभास की फिल्म सलार का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या फिर नहीं तोड़ पाएगी? वैसे मुझे तो लगता है कि कल्कि फिल्म बहुत ही आसानी से बाहुबली और सलार फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ ले जाएगी, क्योंकि वो दौर था 2017 का और ये दौर है 2024 का। सॉरी, अभी इस दौर को 2023 का ही दौर कहेंगे क्योंकि अभी एक दिन और बाकी साल 2024 को आने में। तो आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, और अगर आप लोगों ने सलार फिल्म देख ली है तो बताओ ये फिल्म कैसी लगी, और आप लोग सलार फिल्म का पार्ट 2 देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो यार कमेंट में जरूर बता दिया करो, ताकि बाकी ऑडियंस को भी ये पता चल सके कि भैया लोग सलार फिल्म के लिए कितने ज्यादा दीवाने हैं। कल्कि फिल्म की आगे जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी, और अगर आप लोगों को फिल्मी दुनिया की सही और रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।